बदायूं में हुए डबल मर्डर के बारे में जिसने सुना वो हैरान रह गया। साजिद और जावेद नाम के दो लड़कों ने आयुष और आहन नाम के मासूम बच्चों की घर में घुसकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी साजिद ने बच्चों की मां से कहा, आज मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। इस बात के बारे में एफआईआर में भी जिक्र है। बच्चों के पिता विनोद कुमार ने एफआईआर दर्ज करवाई। उस एफआईआर में लिखा है, 19 मार्च को साजिद और जावेद घर में घुसे, उनकी पत्नी से पैसे मांगे थे, मन घबराने की बात कही, बहाना बनाकर छत पर चले गए, वहाँ चाकू से आयुष और आहान पर कई वार किए और उनको मार डाला, तीसरे बच्चे पर भी हमला किया लेकिन वो बच निकला। एफआईआर में विनोद सिंह ने आगे लिखा है, जब साजिद और जावेद छत से उतर रहे थे तो मेरी पत्नी ने उनके हाथों में खून से सना चाकू देखा। घर से निकलते टाइम उन्होंने कहा, आज मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। ये सब देख सुन पत्नी घबरा गई और वो भागकर छत पर पहुंची तो वहां बच्चे खून से लथपथ पड़े थे। चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंच गए। एफआईआर में लिखी एक एक डिटेल की बारीकी से बात करें तो एफआईआर में विनोद कुमार ने बताया कि उनके घर के सामने ही साजिद अपने भाई जावेद के साथ बार बार शॉप चलाता है। मंगलवार शाम करीब 7 बजे साजिद अपने भाई के साथ बाइक पर घर आया। उस समय घर पर विनोद कुमार की पत्नी संगीता देवी, मां मुन्नी देवी और 3 छोटे बच्चे आयुष, पीयूष और आहान मौजूद थे। घर में घुसने के बाद साजिद ने संगीता से कहा कि उनकी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है तो डॉक्टर ने रात 11 बजे का वक्त दिया है। उसने संगीता से 5,000 रुपये मांगे। इस दौरान साजिद का भाई जावेद बाइक लिए बाहर खड़ा रहा। संगीता ने पैसे देने की बात कही तो उसी दौरान साजिद ने मंझले लड़के पीयूष को गुटखा लेने के लिए बाहर भेजा। इसी दौरान मन घबराने की बात कहकर साजिद घर की छत पर चला गया, साथ में छोटे लड़के आहान को भी ले गया। फिर उसने बड़े लड़के आयुष को पानी लाने के लिए कहा और इसी बीच अपने भाई जावेद को घर के अंदर बुला लिया। इस तरह साजिद, जावेद और आयुष, आहान छत पर चले गए। विनोद की पत्नी संगीता जब अंदर से पैसे लेकर बाहर आई तो उसने देखा कि साजिद और जावेद सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, उनके हाथ में खून से सनी चाकू थी। संगीता को देखते ही साजिद ने कहा, आज मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। ये देखकर संगीता घबराकर चिल्लाई तो मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए, जिसके बाद संगीता ऊपर गई तो दोनों लड़के खून से लथपथ मिले, उनकी मौत हो चुकी थी। तभी तीसरा लड़का पीयूष गुटके की पुड़िया लेकर आ गया, जिसके बाद जावेद ने पीयूष पर भी हमला किया, चाकू से उसके हाथ में गंभीर चोट आई, हालांकि वो बच गया। मृतक बच्चों के पिता विनोद ने एफआईआर में ये सारी बातें लिखवाई हैं। साथ ही कहा है कि साजिद और जावेद से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, उन्हें नहीं पता था कि दोनों ने उनके बच्चों की हत्या क्यों की। फिलहाल एक आरोपी साजिद पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया और दूसरे आरोपी जावेद की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।